तो छिन्नमस्ता जयंती के ऊपर कहते हैं कि सारे देवता छिन्नमस्ता की आराधना के लिए आते हैं। जहाँ दामोदर नदी बहती है और ऊपर से भैरवी की नदी एक जगह होती है और छिन्नमस्ता का स्थान है जहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एक वर्ष तक साधना किए हैं और जहाँ हिरण्यकश्यपु ने साधना की थी। नरसिंह भगवान विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए साधना की थी। ऐसी जगह ऐसी छिन्नमस्ता की जगह उस मंदिर में हवन करने के लिए शायद ही किन्हीं को परमिशन देते हैं। ऐसी जगह मैंने हवन की परमिशन ली है मेरे साधकों के लिए जो बहुत ही है और उनसे परमिशन मांगा है। तो उन सभी लोगों ने कहा है कि गुरु जी आप छिन्नमस्ता जयंती को यहाँ हर साल मनाएंगे ऐसे हमें शुरुआत दो। मैं हर साल की बात तो नहीं पहले बार तो ज़रूर करूँगा। और उसी समय में तांत्रिक सम्मेलन भी है जो गुप्त रूप में नदी के बीच में नदी के अंदर किया जाता है और रात के 12 बजे होता है। हम कम से कम तांत्रिक सम्मेलनों को या तांत्रिकों को ना देखें क्योंकि तांत्रिक सम्मेलन की क्रिया होती है कि 10 महाविद्याओं में 3 महाविद्याओं को सिद्ध करने वाले ही तांत्रिक सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। लेकिन फिर भी उन साधुओं को या उन सशक्त लोगों को जो सिद्धाश्रम के योगी भी कहलाते हैं उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि 24 मई को राजरप्पा में साधना शिविर है और जिन लोगों की आने की इच्छा है टिकट तो वही लोग निकाल लेंगे लेकिन वहाँ आपको अकोमोडेशन देने और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि दत्तू भैया को आपका नाम लिखवा दें जो राजरप्पा आना चाहते हैं। राजरप्पा में छिन्नमस्ता शिविर है और उसको रात में ही छिन्नमस्ता की गुरु जी के कथनानुसार ही मैं उसका हवन और छिन्नमस्ता जयंती वहाँ मना रहा हूँ। पहली बार वहाँ के लोग भी कहते हैं कि छिन्नमस्ता जयंती है ये भी हमें पता नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। ये गुरु कृपा ही है कि वो लोगों ने हमें आह्वानित किया है और ऐसी सुंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान कर की जा रही है। आप सभी लोग साधक जो राजरप्पा छिन्नमस्ता साधना के लिए रांची से 60 किलोमीटर पर हैं और रामपुर नाम के रेलवे स्टेशन से जो पटना की गाड़ी जाती है रामपुर में उतर जाते हैं तो वहाँ से 20 किलोमीटर पर छिन्नमस्ता राजरप्पा का स्थान है। आने वाले आपके टिकट पर आप आने जाने का आपका हिसाब आप देख लो लेकिन वहाँ अगर आपको एकोमोडेशन दे के खाने पीने की व्यवस्था करनी है तो आपका नाम अगर आप राजरप्पा आ रहे हैं तो दत्तू भैया के पास लिखवा दो। उस दिन 24 तारीख के दिन सुबह से शाम तक छिन्नमस्ता के मंदिर में ही हम साधना शिविर मनाएंगे और रात में हवन करेंगे। मंत्र वहीं होगा और एक शक्तिपीठ है वहाँ राजरप्पा में केसरी भवन में सभी के उतरने का इंतजाम किया गया है। जो लोग आना चाहते हैं वो दत्तू भैया के पास आपका नाम दे दो और जो इच्छुक है साधना में इच्छा रखते हैं आपकी छिन्नमस्ता माता की कृपा चाहते हैं आप लोग आने वाले लोग अपना नाम दत्तू भैया के पास लिखवा दें। राजरप्पा में 24 मई को साधना शिविर है आप इस बात को जान लें। और एक बार मैं छोटी सी बात बता देता हूँ मैंने बहुत लोगों को कहीं वीजापुर कहीं वैजा कहीं ओंगोल कहीं भी आने के लिए वचन दिया हो कहीं उस्मानाबाद तो डेट्स पूर्ण फुल अप रहने से आप एक बार डेट्स लेने के लिए शिवा के पास जो डेट्स खाली है उस डेट्स के ऊपर आपका टिक करवा लें अभी ले लें और बोले कि आपके पास मैं कब आ रहा हूँ और डेट नोट करवा कर मुझे बता दें क्योंकि मेरे पास 30 मई तक यानी 1 जून तक मैं फुल बिजी हूँ। उसके लिए आप आज ही उनके पास से डेट ले लें कि आपके पास मेरे आने का कौन सा डेट है और डेट आपको बतला देंगे उस डेट के ऊपर मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि बाद में आप उस डेट के लिए मेरे पास आकर पहले से भी सारी डेट्स उनके पास लिखे हुए हैं उस डेट को आप उनके पास से ले लें। శివన్ అడిగి మీ దగ్గరకు నేను వస్తానని చెప్పి ఉంటే డేట్ ఆయనతో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మే 30 వరకు అక్షయ తృతీయ నరసింహ జయంతి ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు మా రిలేషన్లో పెళ్ళి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ వాటన్నిటిని వదిలి మీ దగ్గరికి వచ్చే డేట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ డేట్ను శివ దగ్గర అడిగి తీసుకోగలరు ఆ డేట్ను ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారంటే అదే డేట్ నాడు మీ దగ్గరికి వస్తాను ఎందుకంటే చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల మే 30 వరకు నేను ఎక్కడ కదలలేని పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి డేట్ను శివ దగ్గర తీసుకోగలరు మళ్ళీ నాకు అడగకుండా ఆయన డేట్ చెప్పి మీరు డేట్ రాసుకుంటే చాలు ఆ డేట్ నాడు నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను ఈ మాటను ఆయన దగ్గర తీసుకొని మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అభి జోలు అప్నే గురుపాదుకాంకు ఆప్కి సర్కి ఊపర్ రఖా గయా ఔర్ ఆప్కి ఆప్నే ఇచ్చా బోలీ హై తో హమ్ ఆగే సమాపన్ కి దృష్టిమే आरती का कार्यक्रम करेंगे और आरती के बाद समर्पण स्तुति होगी उसके बाद हम छोटा सा कार्यक्रम जो
हनुमंतप्पा अपने साथियों के साथ करना चाहते हैं वो करेंगे। सारे आश्रमवासी भी यहाँ उपस्थित रहें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। आज गुरु जन्म दिवस है, गुरु जी जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में दिल खोलकर अपने तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही पादुकाएं आपके पास भेज रहा हूँ, आप पादुकाओं को अपने सर पर रख लेकर आपकी इच्छा बोल लो। गुरु पादुकाओं के ऊपर का एक फूल भी आज आपके इच्छाओं को पूर्ति के लिए काम करता है। जब गुरु पूर्णिमा में गुरु जी आए थे और सभी लोग सारे सेवक 450 लोग सेवक बैठे थे, तो गुरु जी ने पूछा था कि जोशी इनको क्या चाहिए। मैंने कहा गुरु जी आपके चरणों का पुष्प दे दें तो बस है, ये लोगों की इच्छा पूर्ण होगी। और गुरु जी जोर से ठहाका मार के हंसे और बोले जोशी मैं सभी बहुत साधकों को देख बहुत शिष्यों को देखा हूं लेकिन तेरी उतनी होशियारी दूसरों को नहीं आई। बोले मैं बोला क्या, अरे कोई मैं मुझे छिन्नमस्ता साधना पूछता है, कोई लक्ष्मी पूछता है तो सभी को देता हूँ, लेकिन गुरुचरणों का पुष्प तूने जो पूछा है उसमें सारी सिद्धियां निहित है और तूने वो पूछकर सारे लोगों की इच्छाएं पूर्ण की। और उस दिन गुरु जी चार लोगों में बैठे थे, सभी लोग कहते थे और सभी लोगों के साथ गुरु जी ने कहा था कोई शिष्यता सीखे तो जोशी से सीखे। जोशी के हाथ के नीचे जो भी शिष्य बने हैं वो कभी गुरु के सामने अनावश्यक बातें अनावश्यक चीजें नहीं पूछेंगे। जोशी से पूछ सकते हैं लेकिन मेरे से कभी नहीं पूछेंगे। आखिर में 5 शिविर हुए लेकिन गुरु जी अनुभव करते हुए गुरु पूर्णिमा में कहे कि मैं पहली बार मेरे को शांति अनुभव कर रहा हूँ। नहीं तो जहां भी शिविर करता हूँ जो आयोजक है उसके मामा उसके दादा उसकी दादी उसके बहन उसके सारे रिश्तेदारों का लाइन खड़े हो जाता है, गुरु जी इनको ये चाहिए इनको ये चाहिए, लेकिन तेरे शिविर में कोई एक आदमी भी ये पूछने नहीं आया। और जब कहीं भी तूने पूछ कर उनके सामने रखा केवल यही पूछते गए कि गुरु जी आपकी कृपा चाहिए, गुरु कृपा ही केवल। और मैं कहता हूँ गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में हम पूछने का तरीका भी आना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको एक बार कहा था, गुरु पूर्णिमा पूछने गए थे मैं और रवि भैया, हमारे पास पैसे नहीं थे, गुरु पूर्णिमा शिविर तो करना है। गुरु जी के पास बैठे बैठे दिल्ली में गए बैठे तो गुरु जी गुरु को बोले कि गुरु जी इतना कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, अभी रवि भैया तो जरा ज्यादा ही थे कहने में, अनया कादन जपने हुआ इपड़े ऐसा उन्होंने कहा। मैं गुरु जी के सामने मुंह खोलने के लिए तैयार, मेरे से कैसा हो सकता नहीं ऐसा कभी नहीं, मैं फिर भी मेरा मुंह देखकर गुरु जी सबके साथ बोले मूर्ख है सब हैदराबाद को पीला पीला बना लूंगा, गुरु पूर्णिमा होगी होगी। बोले आप, मैं बोला गुरु जी ने जब कहा है तो गुरु पूर्णिमा होगी। मैं बोला रवि भैया को चल बाहर रहे, बाहर आए तो जोशी ऐसा ही आरती का समय था दिल्ली में तो बोले बैठ जाओ। हम सब लोग बैठ गए, आरती हुई पादुकाओं की आरती हुई और गुरु जी आए बोले हाँ आप तेरे को जिस तेरे मन में जो इच्छा है तो बोल ले मैं दीक्षा दे रहा हूँ। गुरु जी उठा के दीक्षा देने गए, दीक्षा जैसे ही दीक्षा दिए मेरे सर पे ऐसा मारे, मार के बोले बहुत होशियार है गुरु जी। मैं बोले सब लोग बोले गुरु जी क्यों मार रहे हैं क्या हुआ, जोशी ने क्या पूछा, गुरु जी आपका शिविर है आप करवा लो मेरे पास पैसा नहीं है। गुरु जी खुश हो गए तेरे पूछने का तरीका भी अच्छा है। तो इस प्रकार हमारे पास शक्ति ही नहीं है, करते करवाने वाले आप है, आप ही करवा लो हमारे से क्या होता है। तो हम गुरु कृपा ही केवलम कहते हैं तो हमारे संसार में हमारी सारी इच्छाओं का गुरु कृपा के पुष्प ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारा भार अगर हम गुरुचरणों में छोड़ देते हैं तो गुरु जानता है हमें क्या करना है, हमें किस तरह सोना बनाना है किस पर मुकुट बनाना है वो जानता है। और वही बात आज भी कभी कभी हंसी आती है कि गुरु जी ये बात कहते हुए कि बहुत होशियार है पूछने में, जोशी तेरे से कोई शिष्यपन सीखे। और मैं आज आपको भी कहता हूँ कि गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, गुरु कृपा प्राप्त हुई तो हम इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप अगर यह पादुकाओं का कार्यक्रम हो गया है तो आप सब लोग खड़े रहें, आरती संपन्न होगी, आश्रम के वासी सामने आ जाएं आरती करने के लिए, सभी आश्रम के लेडीज और पुरुष सामने आ जाएं, आरती का प्लेट उनके पास होगा। गणेश या श्रीरंगी आज शुक्रवार है, ठुटाने और गुड़ ला लेना, लक्ष्मी की आरती हो रही है, थोड़ा जल्दी से आ जाना सभी, और दूध और शक्कर भी थोड़ा ला लेना।